देश भर में आज मनाया जा रहा है लोहड़ी पर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी लोहड़ी व मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव में एनडीए से मुकाबले के लिए बने विपक्षी गठबंधन की आज हुई बैठक। बैठक में नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया भाग। सीट बंटवारे और संयोजक को लेकर हुई चर्चा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद स्थित डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर ऑपरेशन कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। कहा फ्रंट कॉरिडोर का काम लगभग 80% पूरा। सीपीएलएस योजना को शुरू करने वाले प्रस्ताव को मिली मंजूरी। रक्षा मंत्री ने प्रस्ताव को दी स्वीकृति। बीआरओ के कार्य से जुड़े हुए आकस्मिक वेतन भोगी मजदूरों के लिए बनाई गई है योजना। शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को चौथी बार जारी किया समन। 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उत्तर भारत में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड जारी। राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। भारत के पहले स्वदेशी हल्के टैंक जोरवार का परीक्षण शुरू। डीआरडीओ ने अप्रैल तक भारतीय सेना को सौंपने की जताई उम्मीद। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए धनलक्ष्मी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक सहित 3 बैंकों पर 2.49 करोड़ का लगाया जुर्माना। ताइवान में राष्ट्रपति और संसद के लिए मतदान जारी। राष्ट्रपति साई इंग वेन और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लाई जिंग ते ने भी किया मतदान। इंग्लैंड के खिलाफ 25 जनवरी से शुरू होने वाले 5 मैच के टेस्ट सीरीज मुकाबले के लिए भारतीय टीम की सूची जारी। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम में युवा विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को मिली जगह।